सुनून, टैक्सी ड्राइवर किधर है? ओ बाबू मोशाय, चश्मा साफ कर और देख, तेरे सामने खड़ी है। आई एम सो सॉरी। सॉरी वोरी छोड़, बता कहाँ जाना है? हमें एक होटल चाहिए। जिग्नेश, दिस टाइम आई एम नॉट लिसनिंग। तीन बार होटल कैंसिल किया और तीनों बार पैसे भूक गए। एकदम डफर छे तू जिग्नेश। तू इतना टेंशन क्यों लेती है बेबी, तेरा जिग्नेश है ना। जयेश भाई जोरदार रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म जयेश भाई जोरदार में आखिर क्या नया होने वाला है? वह कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जो इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं पलक गुप्ता आपसे जयेश भाई जोरदार के बारे में बात करने वाली हूँ। रणवीर सिंह ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म बैंड बाजा बारात से की थी। इस फिल्म ने रणवीर सिंह को अपनी पहली ही फिल्म से कामयाब के मकाम पे पहुंचा दिया था। वहीं अब बहुत जल्दी यशराज प्रोडक्शंस की अगली फिल्म जयेश भाई जोरदार में वह एक गुजराती शख्स का किरदार निभाते नजर आएंगे। आपको बता दें कि जयेश भाई जोरदार फिल्म में रणवीर के करियर की पहली सोशल कॉमेडी ड्रामा होगी, जिससे पहले उन्होंने ऐसा रोल किसी भी फिल्म में नहीं किया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह एक ऐसे शख्स का किरदार निभाते नजर आएंगे जिसका मानना है कि समाज में औरत और आदमी की बराबरी का हक मिलना चाहिए। गुजरात में इस छोरे की कहानी में हमें कई नए चेहरे पहली बार हिंदी सिनेमा में देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले नाम आता है तेलुगु इंडस्ट्री में काम कर चुकी एक्ट्रेस शालिनी पांडे का। शालिनी पांडे ने अपने करियर की शुरुआत साल 2017 में रिलीज हुई तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म अर्जुन रेड्डी से की थी, जिसकी हिंदी रीमेक को साल 2019 में कबीर सिंह के नाम से बनाया जा चुका है। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की कई छोटे बजट की फिल्मों में काम किया है, जिसमें साल 2018 में रिलीज हुई मेरी निम्मो के साथ 2019 में रिलीज हुई बम्बाद जैसी फिल्में शामिल हैं। वहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहला बड़ा ब्रेक शालिनी पांडे को रणवीर सिंह के अपोजिट जयेश भाई जोरदार से मिलने वाला है। इसके अलावा इस फिल्म में गुजराती सिनेमा की जाने मानी एक्ट्रेस दीक्षा जोशी भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। लगभग 3 साल से गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही दीक्षा की जयेश भाई जोरदार पहली हिंदी फिल्म होने जा रही है। इसके अलावा इस फिल्म में बमान ईरानी और रत्ना पाठक शाह भी मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे। वहीं बात करें फिल्म के गाने की, तो फिल्म से तेलुगु सिनेमा के जाने माने म्यूजिक कंपोजर देवीश्री प्रसाद भी हिंदी सिनेमा में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर अपना डेब्यू करेंगे। इससे पहले देवीश्री प्रसाद का गाना डैडी मम्मी फिल्म भाग जानी में इस्तेमाल किया जा चुका है, जो उनकी तमिल फिल्म विल्लू से इंस्पायर्ड है। वहीं बतौर म्यूजिक कंपोजर जयेश भाई जोरदार देवीश्री प्रसाद की पहली फिल्म होगी। इतने सारे नए चेहरों के बीच इस फिल्म को बनाने का काम अभी एक नए डायरेक्टर के हाथों में है। जी हाँ दोस्तों, जयेश भाई जोरदार फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं जाने माने गुजराती एक्टर दिव्यांग ठक्कर। कई हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम कर चुके दिव्यांग ठक्कर फिल्म से बतौर राइटर और डायरेक्टर हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू करेंगे। 2019 में अनाउंस हुई इस फिल्म की शूटिंग फरवरी 2020 तक खत्म हो चुकी है। इसके बाद यह फिल्म भी अभी अपने पोस्ट प्रोडक्शन लेवल पर है। माना जा रहा था कि कोविड-19 के चलते बाकी नई फिल्मों की तरह इस फिल्म को भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा, पर इसके फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने कुछ दिनों पहले इस बात को कंफर्म किया कि जयेश भाई जोरदार सिनेमा थिएटर्स में ही रिलीज की जाएगी। इस अनाउंसमेंट से एक बात तो साफ है कि अक्टूबर 2020 में गांधी जयंती के मौके पर रिलीज होने वाली यह फिल्म अब शायद 2021 में दर्शकों को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। रणवीर सिंह की सोशल कॉमेडी ड्रामा फिल्म को आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। मनीष शर्मा ने इससे पहले साल 2010 में रणवीर सिंह की बैंड बाजा बारात से बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था। वहीं 10 साल बाद उसके प्रोडक्शन में बनने वाली यह फिल्म जयेश भाई जोरदार से एक और न्यू कमर डायरेक्टर दिव्यांग ठक्कर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करेंगे। दिव्यांग ठक्कर ने इससे पहले कई गुजराती फिल्मों में बतौर एक्टर काम किया है, जिसमें साल 2012 में रिलीज हुई उनकी फिल्म केवी रीते जयेश गुजराती सिनेमा की ट्रेंड सेटिंग फिल्म मानी गई थी। इसके अलावा इस फिल्म को उस साल का बेस्ट फीचर फिल्म इन गुजराती का नेशनल अवार्ड भी मिला था। वहीं जयेश भाई जोरदार में सब जैसे का किरदार निभाने वाले रणवीर सिंह कबीर खान की आने वाली फिल्म 83 में भी काम करते नजर आएंगे। इस फिल्म में यह वह भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके कपिल देव के किरदार को बड़े पर्दे पर जीते नजर आएंगे। उनके अपोजिट उनके रियल लाइफ पार्टनर दीपिका पादुकोण को कास्ट किया जाएगा। इसके अलावा रणवीर सिंह करण जौहर की मच अवेटेड प्रोडक्शन तख्त में भी एक रोल में कास्ट किए जाएंगे। जी हाँ, रणवीर सिंह इंडिया के वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई हिस्टोरिकल किरदार निभाए हैं। वहीं उन्हें रामलीला में भी एक बार फिर गुजराती किरदार में देखा गया था। दर्शकों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले रणवीर सिंह ने 2012 में संजय लीला बंसाली प्रोडक्शंस और डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म रामलीला में एक गुजराती लड़के का किरदार निभाया था, जिसमें उनके अपोजिट दीपिका पादुकोण ने काम किया था।
रामलीला फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की एक साथ पहली हिंदी फिल्म थी, जिसके बाद इस जोड़े ने बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में एक साथ काम किया था। वहीं आने वाले समय में कबीर खान के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 83 में भी यह जोड़ी एक साथ नजर आएगी। वहीं यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली जयेश भाई जोरदार एक बिल्कुल नई टीम के साथ ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए तैयार है, जिसमें रीजनल सिनेमा के कई एक्टर्स हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू करते नजर आएंगे। क्या रीजनल और बॉलीवुड आर्टिस्ट का यह कोलैबोरेशन आने वाले समय में एक अच्छा सिनेमा बनाने के लिए कामयाब हो पाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो की स्क्रिप्ट अनामिका पाल ने लिखी है।